किसी ने क्या खूब कहा है कि जीत के कई पिता होते हैं लेकिन हार अनाथ ही रह जाता है। बीजेपी ने 2024 और 2019 के लोकसभा चुनावों में अच्छा प्रदर्शन किया था। उस समय बीजेपी के हर नेता जीत के पीछे श्रेय लेते हुए दिखे थे, लेकिन 2024 में खराब प्रदर्शन करने के बाद नेता हार के पीछे की वजह पूछने पर तारी गिना रहे हैं। ये है यूपी सरकार में मंत्री सुरेश कुमार खन्ना। सुरेश कुमार खन्ना से जब यूपी में बीजेपी की खराब प्रदर्शन को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ कह दिया कि यूपी में खराब प्रदर्शन का सबसे बड़ा कारण है ओवर कॉन्फिडेंस। लोगों का अति आत्मविश्वास कि मोदी और योगी के बदौलत चुनाव तो जीतना ही है बीजेपी के हार की सबसे बड़ा कारण बना। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लोगों को ये ओवर कॉन्फिडेंस था, ये महसूस करते थे कि हम तो जीत ही गए। और भी कई कारण हैं, लेकिन उसमें सबसे बड़ा कारण यही है कि अति आत्मविश्वास की वजह से ये हमको सीटें कम मिली। बता दें कि उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा सीटों पर हुए चुनावों के नतीजे आ चुके हैं। यूपी में इस बार बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। 2019 के चुनावों के मुकाबले इस बार बीजेपी को 29 सीटों का बड़ा नुकसान हुआ है। पार्टी 62 से घटकर 33 सीटों पर आ गई है। वोट शेयर भी 8.63% घटकर 41.37% हो गया है। वहीं इंडिया गठबंधन में शामिल सपा कांग्रेस के वोट शेयर में पिछले चुनाव में करीब 2 गुना उछाल आया है। सपा को 33% जबकि कांग्रेस को 9% वोट मिले हैं। 2019 में दोनों दलों ने अलग अलग चुनाव लड़ा था, तब सपा को 18% और कांग्रेस को 6% वोट मिले थे। उत्तर प्रदेश में सपा को 37, बीजेपी को 33, कांग्रेस को 6, रालोद को 2 और अपना दल सोनेलाल को 1 सीट मिली है। इसके अलावा 1 सीट आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर ने जीत हासिल की है। इस बार यूपी में कम महिलाओं को संसद में भेजा। 2024 में 13, 2019 में 11 और इस बार केवल 7 महिलाएं सांसद बनी। अखिलेश यादव इस चुनाव में बड़ा चेहरा बनकर उभरे हैं। उन्होंने सपा को अब तक की सबसे बड़ी जीत दिलाई है। सपा को 2019 में 5 सीटें मिली थी, 2024 में 37 सीट पर जीत दर्ज की। सपा ने अपने इतिहास में लोकसभा में कभी भी इतनी सीटें हासिल नहीं की। ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।